हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं और इसमें पढ़ेंगे हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये है गौधोली हिंदी क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का गौधोली हिंदी, जो कि लेसन नंबर 9 है आविनियो। और ये इसकी विद्या क्या है? ललित रचना है। सवाल बनता है कि आविनियो की विद्या क्या है? कविता है या निबंध है या कहानी है? तो ललित रचना है। तो चलिए इसका एक एक क्वेश्चन को ऑपरेशन करते हैं। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर आपने इस आईडी को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ में आपको शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सवाल यहाँ पे, आविनियो क्या है? आविनियो एक साक्षात्कार है, कहानी है, ललित रचना है, निबंध है। तो सबसे पहला सवाल का जवाब आपके पास तो मिल चुका है कि आविनियो क्या भाई। अब एनीबडी विल नॉट मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं करेगा कि आविनियो क्या एक ललित रचना है। ओके ना, अब इसके बारे में सारा कुछ अभी जानने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, वन बाय वन करके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एक ललित रचना है, ठीक है। अगला सवाल है आविनियो में था। देखिए, आविनियो में था के मतलब पहले क्या था? पोप की राजधानी थी या पोप की राजधानी रूस की राजधानी थी या पोप की राजधानी थी या फ्रांस की राजधानी थी या इटली की राजधानी थी? तो आविनियो में पहले पोप की राजधानी थी, अभी फ्रांस की राजधानी बोला जाता है ना, तो पहले जो है पोप की राजधानी थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा राइट, यानी कि आविनियो जो है आविनियो में पोप की राजधानी थी। ओके, याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं, कार्थुसियन यानी कि ईसाई संप्रदाय विश्वास करता था। कार्थुसियन बोला गया ईसाई लोगों को, ईसाई संप्रदाय के जो लोग हैं, ईसाई समाज के जो लोग हैं ना, वो किस पर विश्वास करते हैं? मारपीट में, झगड़ा में, या फंसाने में, या मौन में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आपके लिए हाजिर है। तो कार्थुसियन क्या है? ईसाई संप्रदाय विश्वास करते थे, तो किस पर हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मौन में, मौन है ना। मौन बोलते हैं ना, जैसे कोई आदमी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं मौन धारण कर लिए, तो वही हो जाएगा क्या? मौन में विश्वास करते थे। आगे पढ़ते हैं, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? देखो, जीर्णोद्वार ये वर्ड दिया हुआ है आपके गौधोली हिंदी में, ये वर्ड दिया हुआ है। अगर आपने ये इस लेसन को पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा जीर्णोद्वार का मतलब होता है पुराने को नया करना, ठीक है, पुराने को नया करना, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? देखिए, थोड़ी सी जगह, जाहिर सी बात, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अशोक वाजपेयी के लिखा हुआ है आविनियो, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी जी का आविनियो ने जो लिखा है ललित रचना, अशोक वाजपेयी ने रचना की है। तो अब इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, चूँकि चैप्टर भी वही है, तो जाहिर सी बात थोड़ी सी जगह जो है अशोक वाजपेयी का। लेकिन जब आप का मिक्स सवाल मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो सब लेसन का सवाल रहेगा। इसलिए आपको इस तरह के जो सवाल है ना, इसको एकदम ध्यान से देखना है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रतीक्षा करता है पत्थर, ये किसकी रचना है? प्रतीक्षा करता है पत्थर, यह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, या तिंद्र मिश्र की, रामविलास शर्मा की, या रामधारी सिंह दिनकर की? तो अशोक वाजपेयी की ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, आगे यहाँ पे है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष होता है, कहाँ होता है? फ्रांस और यूरोप का है ना, फ्रांस और यूरोप का एक बहुत ही अत्यंत और प्रसिद्ध रंग समारोह होता है, हर साल होता है, और कहाँ होता है? वो होता है आविनियो में। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आविनियो फ्रांस का एक मुख्य केंद्र है, कौन सा केंद्र है? संगीत का है, या कला का है, या तो फिर व्यापारियों का है, या पोप का है? बहुत अच्छा सवाल है। तो आविनियो जो है ना, एक कला का केंद्र है प्रमुख, यहाँ पे मतलब हर तरह के लोग कला जाके दिखाते हैं, तो हर साल वहाँ पे उस तरह समारोह किया जाता है, ठीक है। तो आविनियो शहर का नाम एक जगह है जो कि फ्रांस में पड़ता है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही मुख्य केंद्र है, वो कला का केंद्र है, आर्ट्स का केंद्र है। ओके, आविनियो कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया, आविनियो इटली में नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, रूस में भी नहीं, बल्कि दक्षिणी फ्रांस में, याद रखेंगे, फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में। ओके, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, रोम नदी कहाँ है? रोम या रोन नदी, किताब में रोन लिखता है, रोन नदी कहाँ है ना? बहुत अच्छा सवाल है कि रोन नदी कहाँ है। अब जब इस सवाल को देखोगे, रोन एक अभी रोम देता है, तो जाहिर सी बात है रोन नदी जो है ना, ये दक्षिणी फ्रांस में ही है, क्योंकि दक्षिणी फ्रांस में ही आविनियो है, तो फिर रोन नदी भी कहाँ रहेगा? दक्षिणी फ्रांस में रहेगा। तो इस तरह से आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे सवाल पढ़ते हैं, आविनियो के रचनाकार कौन है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि आविनियो के रचनाकार कौन है, आविनियो के लिखने वाले कौन। तो आपको पता चल गया आविनियो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लिखने वाले कौन है, कैलाश वाजपेयी या किशोरी दास वाजपेयी या अटल बिहारी वाजपेयी या अशोक वाजपेयी। तो आपको पता है आविनियो के जो रचनाकार है अशोक वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, विल नव ला आविनियो का अर्थ क्या होता है। विल नव्य ला आविनियो का अर्थ क्या होता है, आविनियो का नया आदमी, आविनियो का नया गांव, आविनियो की नदी या आविनियो का पर्वत। तो विल नव्य ला आविनियो का मतलब होता है आविनियो का नया गांव। क्या होता है, आविनियो का नया गांव। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, ला शतरुज क्या है। देखिए बहुत अच्छी अच्छा यहाँ पर सवाल है, ला शतरुज, ला शतरुज है क्या। ऑप्शन देखिए, इमारत दिया हुआ है, पर्वत दिया हुआ है, ईसाई मठ है और मेरा शत्रु है। तो देखो ला शत्रुज, शत्रुज यह जो यहाँ पे है ये एक ईसाई मठ है। क्या है, ईसाई मठ है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आंध्र बेतरा क्या है। आंध्र बेतरा, आंध्र बेतरा जो एक कवित्री है, मतलब लेडी है जो कि कविता लिखती है। तो आंध्र बेतरा क्या है, एक कवि है, कवि बोल सकते हैं यहाँ पे, कवित्री तो दिया हुआ है नहीं तो फिर एक कवि बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो किताब में आपको लिखा हुआ कवित्री टाइप का, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका है ना ए राइट आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है वो किससे है। तो भाई साहब यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्सवादी दर्शन विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो 15 नंबर सवाल जो आप देख रहे हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ वेदांत दर्शन से, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन का जगह बी, यानी कि प्रगतिशील साहित्य जो का संबंध जो है वेदांत दर्शन से। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, जार शाही में थी। देखिए जार शाही मतलब कहाँ थी, किस देश में थी, सोवियत रूस में थी या फ्रांस नेपाल चीन में। तो आपको पता है हिस्ट्री में पढ़े हैं, रूस में जो है जार शाही चलता था, जो कि आपको पता है जार मतलब क्या होता है, रूस का शासक। पढ़े हैं तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाए। तो आगे पढ़ते हैं, आंध्र बेतरा, देखिए क्या बोलता है, आंध्र बेतरा रेनेसा, आंध्र बेतरा ये कवि है, रेनेसा भी है और पॉल एलुआर, देखिए ये तीनों क्या है, कवि है। ये बोलता है कि ये तीनों मिल के जो है आविनियो में रहकर संयुक्त रूप से, मतलब मिलकर कितने लगभग कितनी कविताओं की रचना की। तो बहुत अच्छा, इसमें बंदा कन्फ्यूजन करता है और ऑप्शन डी पे मार के चला आता है घर। तो ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, किताब को जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा सबसे लास्ट में कि आंध्र बेतरा ने, रेनेसा ने और पॉल एलुआर ने आविनियो में रहकर जो है 30 कविताओं की रचना की है। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिन रहे। तो देखिए अशोक वाजपेयी जब ला शत्रुज क्या है, बताते एक ईसाई मठ है, कितने दिनों तक रहे, तो वहाँ 19 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक, 19 दिन तक रहे और वहाँ बहुत सारी कविताएं लिखा है उन्होंने, गद्यांश लिखा है। आपको आगे सवाल ही मिलेगा। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं, आविनियो गद्य, आविनियो पाठ जो है गद्य की कौन सी विद्या। देखिए सवाल को कैसे घुमा के बोल रहा, आविनियो पाठ गद्य की कौन विद्या। देखिए ऑप्शन क्या है, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र। तो ऐसे तो हम लोग पढ़े क्या, ये जो है क्या बोलते हैं, ललित रचना पढ़े ना, ललित रचना, ललित रचना। लेकिन अब ललित रचना ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको टिकट करोगे यात्रा वृत्तांत, क्योंकि आवेनियो में सभी लोग यात्रा करके जाते थे, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे रहते थे, है ना। तो जस्ट लाइक एक यात्रा वृत्तांत के रूप में इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी फिर यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है, नहीं तो ललित रचना तो है ही है। चलिए आगे पढ़ते, कहानी आगे है, पिकासो क्या है। देखिए पाब्लो पिकासो इसका पूरा नाम है, पाब्लो पिकासो है ना, पाब्लो पिकासो इसका पूरा नाम है। तो पाब्लो पिकासो का एक बहुत बड़ा महान जो है चित्रकार है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पेंटर बोले ना, बहुत बड़ा महान जो है पेंटर है पाब्लो पिकासो, ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। जी बहुत अच्छा सवाल है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए 26 जनवरी 1944 को, 26 जनवरी 1943 को, 26 जनवरी 1941 को, 6 जनवरी 1940 को। देखिए तो 16 जनवरी जो है 1941 को जो है, ऑप्शन सी होगा, इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। तो ये सब सर याद कैसे होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा किताब को और क्वेश्चन रिवीजन करना पड़ेगा। जब भी क्लास चलती है तो आप जरूर आइए क्लास करने के लिए। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये याद रखना है, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कहाँ, छत्तीसगढ़ में, दुर्ग नाम की जगह है छत्तीसगढ़ में, वहीं हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, आगे देखें, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रहा था कहाँ, ली क्या, लू सतराज,
है ना, सतराज में लगा था, वहाँ रहा था और रह करके 1994 तक जो है उस उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की थी। तो देखिए अशोक वाजपेयी ने ला शत्रुज था ना, वहाँ रह कर जो ईसाई मठ है ना वहाँ रह कर जो है 35 कविताएं लिखी है और 27 गद्य लिखे हैं। समझा रहा, ये है सवाल, इसका सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो 35 कविताएं लिखी और 27 गद्य की रचना की, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ला मदामोलेज द आवेन्यू, ये देखिए किसकी कृति, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ला मदामोलेज द आवेन्यू किसकी कृति है, लियोनार्डो द विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर या विंसेंट वैग गो, है ना। तो यहाँ पे जो 24 नंबर सवाल देख रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है वो पिकासो राइट आंसर होगा, पाब्लो पिकासो जो है उन्होंने ही इसकी रचना की थी। ठीक है, ला मदामोलेज द अवेन्यू। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो जब इसको पढ़ोगे, ला शत्रुज क्या है आपको पता चल गया, ईसाई मठ है। ठीक है ना, तो ये इसका उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो देखिए ऑप्शन होगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी कि फ्रांस की क्रांति 1789 हुई थी फ्रांस की क्रांति, यानी कि 14वीं सदी से इतना दिन तक जो है ला शत्रुज का जो है इस्तेमाल होता रहा, उपयोग होता रहा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे। तो आपको अभी तो पता चल गया कि लेखक जो थे अशोक वाजपेयी आवेन्यू में 35 जो है कविताएं लिखी थी और उन्होंने कितने गद्यांश लिखे, 27 जो है वो गद्य लिखे थे, 27 गद्य लिखे थे। आगे पढ़ते हैं, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर, आवेन्यू, दोनों। तो आपको पता है फ्रांस का जो है प्रमुख कला केंद्र है ना, कला केंद्र के लिए क्या माना जाएगा, आवेन्यू को, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी राइट होगा। बहुत जल्दी खत्म करेंगे, आवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है, क्या रहा, देखिए आवेन्यू जो है दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन हिंदू मठ है या मुस्लिम मठ है या सिख मठ है या ईसाई मठ है। तो अभी तो ला शत्रुज के बारे में पढ़ चुके, तो आवेन्यू एक ईसाई मठ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो यानी कि पाब्लो पिकासो जो चित्रकार थे उनकी प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, द मदामोलेज, द अवेन्यू, विल्नव, ला अवेन्यू, नदी के किनारे भी नदी है ला शत्रुज। तो ये था इसका ला मदामोलेज द अवेन्यू, याद रखना ऑप्शन क्या होगा इसका, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी, अशोक वाजपेयी की रचना कीर्ति है, यानी कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी रचना की। जब भी ऐसा सवाल दे और दे दे इनमें से दोनों या इनमें से सभी, तो अक्सर वही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे किताब पढ़ोगे तो नदी के किनारे नदी है और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये दोनों जो है इसी के द्वारा लिखा गया है। ओके, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था, देखिए यहाँ पे जो संपादन के मतलब है, हालांकि जितना यहाँ पे दिख रहे हैं चारों के चारों जो है इन्हीं का है, चारों का इसी के किया हुआ है, लेकिन संपादन यहाँ पे बोला गया पत्रिका के बारे में, यानी कि मैगजीन होता है ना मैगजीन, ठीक है ना, मैगजीन कौन सा यहाँ पे मैगजीन था जिनका जो है संपादन किया था अशोक वाजपेयी, तो पहचान नाम का एक मैगजीन था, और पहचान ही नहीं इसके अलावा और भी मैगजीन है, पहचान हो गया और समावेत, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता, ये सब बहुत सारा मैगजीन था उन्होंने संपादन किया था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम देखिए, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, कृष्णानंद वाजपेयी, उज्ज्वलानंद वाजपेयी, तो परमानंद वाजपेयी जो थे इनके पिता थे, ऑप्शन बी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, यानी कि फ्रांस का सरकार जो फ्रेंच सरकार बोलते हैं, फ्रांस की सरकार को फ्रेंच सरकार बोलते हैं, जैसे भारत की सरकार को भारत सरकार बोलते हैं, तो फ्रांस की सरकार को फ्रांस सरकार नहीं बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज के हिसाब से जाना जाता है, फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया गया पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस यही था अवार्ड। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। तो यहाँ पे 33 सवाल मैंने इस लेसन का पूरा एक एक सवाल पढ़ा दिया है, अब आपको इस लेसन से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार आप इस लेसन को अपने से रीडिंग जरूर कीजिएगा, जब रीडिंग करोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में आपको सेट हो जाएगा सवाल। ओके डायरेक्ट सवाल, मजा आया तो नीचे कमेंट करना और पहली बार आया तो चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।